बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक को उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, ये छोड़ने लगा हूँ यार। ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, यार ये मेरी मुर्गी फिर से कड़क हो गई है, इसने अंडे देने शुरू किए हुए। मुझे अभी मैं देखता हूँ इसके नीचे कितने अंडे इसने दे दिए हैं यार, माशाल्लाह। और ये मेरे हैं पिजन, अभी मैं इनको छोड़ूंगा, बाद में सबसे पहले मैं सारे परिंदों को दाना वगैरह डाल दूं, तो उसके बाद इसको छोड़ूंगा। ये यार देखो, अभी इसकी माँ जो ना वो कुड़क में बैठ गई है, फिर से अंडे देने शुरू कर दिए, और ये बेचारा बाहर घूम रही है मुर्गी, और ये जाएगी अपनी माँ के पास। तो देख रहा, ये इसको मारेगी नहीं, बिल्कुल आराम से उसके पास बैठ जाती है जा गया। ये देखें, दूसरे सभी इसको मारते हैं तो वो यहाँ पे आके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। तो चलो ये भी ठीक है। तो अभी ये मेरे पिजन जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनको भी छोड़ो, लेकिन मैं इनको अभी मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी मैं इनको दाना वगैरह एक बार डाल के, तो सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ। जी ये दाना खा रहे हैं ना? हाँ खा रहे हैं। तो अभी मैं अपने बिल्कुल छोटे स्टूडेंट जो है, अभी अभी नए जो निकले हैं, उनके पास जा रहा हूँ, उनको छोड़ूंगा, उसके बाद इग्नोर करूँगा। तो माशाल्लाह आज ही देखिए मेरे सारे रैबिट के बेबी भी बाहर आए हुए हैं, कैसे जो ना सारे के सारे माशाल्लाह चारा खा रहे हैं। तो अभी इसको देखो, ये क्या इसको आवाज़ आ रही हो रही है। तो पहले मैं इसको दाना वगैरह डाल लूँ, तो फिर ये देखेंगे। चलो जी बाहर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। ये यहाँ इनके लिए ये दाना लेके आऊँ आज भी। आ हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टूट पड़ो टूट पड़ो टूट पड़ो, माशाल्लाह। ये देखो सारे के सारे कैसे जो है खाना शुरू कर दिया। अरे तू आराम किया कर यार। तो ये देखो माशाल्लाह। ओए तू, हाय हाय, ये मेरे हैंड पे खाना शुरू कर दिया इसने। ये देखो मेरे हैंड पे जो लगा हुआ ना खाना, वो खा रहा है। ये देखो है, ये देखो माशाल्लाह कितना क्यूट से है। तो अभी मैं देखने वाला हूँ कि जो मेरी एक मुर्गी जो है ना अंडों में बैठी हुई थी, उसने कितने बेबी निकाल रहे हैं आज, हमने वो भी देखने जाना अभी। तो पहले मैं इनको दाना वगैरह, इनको खाना खिला लूँ, इनको खाना खिला के फिर मैं जाऊँगा उस मुर्गी को देखने के लिए। और देखते हैं वहाँ पे हमारी एक नई मुर्गी जो है ना क्रोक में बैठी हुई थी, उसने कितने बच्चे निकाले हैं, उसको हम जाके देखते हैं। चलो भाई वही, चलो पीछे नहीं आना मेरे, चलो ठीक है ना, चलो। पहले मैं ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे पीछे आ जाएंगे। ओए माशाल्लाह मैं क्या देख रहा हूँ यार, इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं, इसी मुर्गी ने भी। हाँ चलो पर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, चलो नीचे आ जाओ, चलो शाबाश, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आप लोग नीचे आ जाओ, चलो पानी वगैरह पियो, चलो चलो इधर आओ, चलो चलो चलो। ओए यार इसने बाकी अंडों का क्या हाल कर छोड़ा यार, एक यार ये मुर्गी भी अजीब है यार, मुर्गी के बच्चे निकल आए तो लेके घूम रही है, और ये बत्तख के अंडे मैंने इसके नीचे रखे हुए, तो वैसे के वैसे पड़े, इनमें से कोई बच्चा नहीं निकला। अभी हम इनको चेक करेंगे कि इसके किसके अंदर बच्चा और किसके अंदर बच्चा नहीं है, तो चेक करते हैं, उसके बाद इसको दूसरी मुर्गी के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। यार ये देखो इस मुर्गी ने क्या किया यार, इस मुर्गी ने क्या किया कि सारे जो ना मुर्गी के बच्चे निकाल लिए हैं। ये देखो पांच बच्चे इसके सही निकलाए और पांच बच्चे इसके मर चुके हैं, और तो और ये देखो इसके जो ना अंडे जो ना बत्तख के इसके नीचे रखे थे ना, वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह अंडे जो ना बत्तख के जो ना इसके नीचे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको निकाल देता हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि ये इसके दिन पूरे हो चुके हैं, ये यहाँ से उठ गई है, ये अंडों पे उठ गई है, अब ये अंडों पे नहीं बैठेगी और ये अंडे ख़राब हो जाएंगे। और मैंने चेक किया कि इस अंडों के अंदर सारे के अंडों के अंदर बच्चे बड़े हुए हैं। तो अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, और यहाँ पे ला के जो मेरी मुर्गी वहाँ पे बैठी हुई ना क्रुक में, तो उसको ला के मैं यहाँ पे रख दे बिठा देता हूँ, ताकि वो देखता हूँ कि वो अंडों में बैठती है कि नहीं बैठती। अगर बैठ गई तो वेल एंड गुड, फिर इंशाल्लाह मेरे जो है बत्तख के बच्चे भी निकल आएंगे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से जाऊँगा और जाके जो ना अपनी जो ना बत्तख मुर्गी को लेके आता हूँ। पहले इसको बंद कर देता हूँ, हैं इसको मैं ये चिक्कू के नीचे बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बच्चे निकाले, ये उसको मारेगी और वो भाग जाएगी। ये देखो ये माशाल्लाह कैसे जो ना घूम रही है बच्चों अपने के साथ, सारे छोटे स्टूडेंट को
माशाल्लाह यार जू में अंदर एक जू में ना माशाल्लाह जू में एक बार जो रोड़ के लग गए सभी परिंदा ने माशाल्लाह बच्चे निकाले और नहीं निकाले तो सिर्फ ये पैरट है अभी तक इन्होंने बच्चे नहीं निकाले। और ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार वो देखो सामने वो देखो मेरा खुमरा जो ना वो भी बैठा हुआ है वो भी बैठा हुआ अंडों के ऊपर। तो ये मेरे पैरट जो है ना बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे लेकिन ये पैरट अभी तक बच्चे नहीं निकाले बाकी सारे परिंदों ने बच्चे निकाल लिए। तो सबसे पहले मैं ना बच्चों को और दूसरी मुर्गी को ला के अंडों में बिठाता हूँ कहीं अंडे खराब ना हो जाए। तो दूसरा ये देखो इसको मैं भी पहले बंद कर देता हूँ इस मुर्गी को जिस मुर्गी के नीचे भी जो है ना बत्तख के अंडे रखता हूँ मुर्गी के बच्चे निकाल लेती है और बत्तख के टाइम पर जो है ना उठ जाती है। तो अभी मैं इसको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ इस मुर्गी को क्योंकि इस मुर्गी ने जो है ना चलो भाई शुरू आ जाओ ये देखो ये जो है ना फुल कुड़क हो चुकी है। तो इसको मैं वहाँ पे ले जाके अंडों के ऊपर बिठा देता हूँ कि हो सकता है कि मेरे अंडे जो है बच जाए। चलो भाई आओ इधर आओ दो अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे तो बाकी इसके अंडे मैंने उठा लिए थे। तो अभी मैं इसको पहले वहाँ पर ले जाके जी दोस्तों अभी मैं इसको वहाँ पे ले जाके उस अंडों के ऊपर बिठाता हूँ अगर बैठगी तो हो सकता है कि मेरी बतख के जो ना बच्चे निकल आए अगर ना बैठी तो फिर जो ना चलो भी रैबिट पीछे जो अच्छा पहले भी इसने जो ना इसी जगह पे एक बच्चा निकाला था तो आज अब देखते हैं कि ये क्या करती है। चलो 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 यहाँ पे जी यहाँ आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो लो भाई इसको मैंने ला के यहाँ पे बिठा दिया है मुर्गी अंडों के ऊपर तो देखते हैं ये बैठती है कि नहीं बैठती है मेरे ख्याल में बैठ जाएगी है। तो जी दोस्तों मैंने एक बार जो ना अपनी मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा दो दिया है वो सामने बिठा दिया उसके ऊपर मैंने एक छिक्कू दे दिया है। तो अभी एक बार बैठ गई है अगर बैठ गई तो एक दो दिन के अंदर अंदर जो है मेरे बतख के जो है ना बच्चे जो है ना सारे के सारे निकल आएंगे तो उसके बाद इसके नीचे दूसरे जो ना अंडे डाल दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग मेरा आप लोगों का एक पसंद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।